पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है इसको दबाने से मेरी वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। हाँ जी जनाब, यहाँ पे बस बाज़ार आने के बाद जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके बाद ये रात की वीडियो है। यहाँ पे बस खाना पीना हुआ क्योंकि सब थे, आयशा ने रात को चले जाना था तो इसलिए फिर यहाँ पे रोल और साथ पिज़्ज़ा मंगवा लिया। कुछ खाना नहीं बनाया था क्योंकि मामू लोग भी घर पे आए हुए थे, गैस वगैरह भी नहीं थी। तो ये है अगले दिन की वीडियो, क्योंकि बच्चियाँ जा चुकी थी, आयशा भी घर जा चुकी थी, शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। यहाँ पे फिर मैं आई सोएम पे, यहाँ पे सोएम था सुबह तकरीबन दोपहर के टाइम का था, तो घर से करते कराते 12-1 बज चुका था। तो ऑलरेडी अम्मी नानी वगैरह सब वहाँ पे मौजूद थे तो हम ज़रा लेट ही पहुँचे थे यहाँ। मुंबई आया ने ना मुझे काफ़ी अरसे बाद देखा, जैसे महीने बाद देखा, तो ना मेरे पास आ रहा था, बस दूर से ही देखा जा रहा था, देखे जा रहा था, तो आ नहीं रहा था। जैसे ही आने के लिए कह रही थी मुंह बना के बता रहा था, आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। चाहे यहाँ उमर वरा से भी मुलाकात हुई, उमर वरा तो भाई बड़ी तेज़ हुई है माशाल्लाह, बातें खींच के आप मेरे लिए क्या लेकर आई हैं। अच्छा इसको ना आदत है कोई गिफ्ट वगैरह, अक्सर मैं इसको देती रहती हूँ। और यहाँ ये दूर दूर से मुझे देखे देखे ये बातें कर रहा है मेरे साथ। हंसो हंसो, इधर इधर देख के हंसो हंसो। कहाँ जा रहे हो आप? याया कहाँ जा रहा है? याया किधर जा रहा है? याया कहाँ जा रहा है? लाओ फोन, लाओ पासवर्ड। अच्छा तो ये बड़ी ही मुश्किलों से आखिरकार मेरे पास आ गया। तो यहाँ ना फ्रूट कटिंग किया हुआ था खाने के लिए, सब दे रहे थे जैसे दुआ वगैरह हुई थी, तो मैंने इसमें से इसको एप्पल पकड़ाया ना, माशाल्लाह ये खाने लग गया ना। लेकिन ये मेरे पास था परेशान ही कि किसी तरह ना मुझे कोई अपना ले ले, फूफो की तरफ कभी बार बार जा रहा था। अच्छा यहाँ वासिफ़ आया ना इसके पास, तो इसने ना अपना एप्पल पहले इसको दिया, उसके हाथ से खाने लगा और मुस्कराना मतलब खेलने लग गया। लेकिन जैसे ही वासिफ़, इसने शुक्र किया, बार बार कह रहा था कि वासिफ़ बस मुझे उठा ले और फ़ायज़ा आप ही से जान छूट जाए ना मेरी। तो मैं इसे दे उठाने नहीं किसी को दे रही थी, बस मैं चाह रही थी ये मेरे पास हो, मेरे पास खेले। लेकिन ये आने को तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किलों से आया सही 2-3 मिनट रहा मेरे पास। लेकिन जैसे ही इसने वासिफ़ को देखा, फिर ये छुटकारा चाह रहा था कि बस मेरी जान छुट जाए इस आपी से ना। तो आखिरकार हुआ ये कि ये वासिफ़ ने इसको उठाया और ले गया, ये खुश हुआ। फिर हम घर आ गए, ये हमारे साथ आ गई थी चुड़ैल हमारी छोटी सी प्यारी सी उमल वाला। अच्छा अटैच बहुत ज़्यादा है ना, तो उसने कहा भाई मेरी सैटरडे की छुट्टी है, ये जुम्मे का दिन था। अच्छा मैं आपके साथ जुम्मे सैटरडे और संडे तीनों दिन का व्लॉग एक साथ शेयर कर रही हूँ, तो ये जुम्मे का ज़ाहिर दिन था, ये आगे साथ ही कि यहीं रहना। अच्छा तो सैटरडे को ना सुबह में खाला की थी वहाँ पे मदरसा जाते हैं या तो वहाँ पे पढ़ते हैं, तो इनका ना कोई पारा वगैरह ख़त्म हुआ तो इनकी पार्टी थी वहाँ पे जैसे ना, तो इन्होंने मुझे कहा मुझे भी एक डिश बना के घर से लेके जानी है, तो मैं शवारमे लेके जाऊँगी, आप मुझे तैयार कर दो। तो बस फिर खाला के, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हर चीज़ घर पर ना रेडी रखी हुई होती है, जैसे शवारमे की सॉस वगैरह रेड वाइट मैंने बना के इकट्ठी रखी हुई है कि जैसे मेरे ऑर्डर भी आते हैं तो मुझे बार बार ना बनाने पड़े, मैं एक दफ़ा बना के रख लेती हूँ फिर जब यूज़ करनी हो कर लेती हूँ। तकरीबन मेरी ये 2 माह पहले की सॉस मैंने तैयार करके रखी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखें ना ये ख़राब हुई है कुछ, और ये मायोनीज़ भी मैंने खुद घर पे तैयार किया हुआ है खुद। अब ये इसमें ज़रा थोड़ी सी बर्फ़ जमी हुई है, जैसे ही मेल्ट होगा ये ठीक हो जाएगा। अच्छा मैंने दोनों सॉसेस इकट्ठी बना के रखी हैं, बस फ्रेश जो है सैलड बना लेती हूँ, चिकन फ्रेश बना लेती हूँ। अच्छा ये देखें शवारमा ब्रेड मेरी खाला खुद गई लेने के लिए, बच्चे ज़ाहिर है घर पर नहीं थे, रात का टाइम था, बल्कि नहीं छोटा साथ था उसामा। इतनी महंगी शवारमे वाले ने मेरे खाला को ये ब्रेड दिया 110 का एक पैकेट, हालांकि 85 तक का तो ब्रांडेड भी जो होते हैं वो भी मिल जाते हैं, हालांकि ये ब्रांडेड नहीं थी लोकल थी ब्रेड, और 110 की इनको एक पैकेट पड़ा इतना महंगा। घर पे लेकर आई मैं काफ़ी बोली, मैं कहा आपको आइडिया नहीं ये तो इतनी महंगी नहीं, आप महंगी ले आई हुई। खैर काफ़ी देर पर बहस चलती रही हमारी ना, क्योंकि अभी मुझे पता है आ रही जो ब्रेड वगैरह शवारमे वगैरह की 85-90 तक का पैकेट है। खैर यहाँ पे मैंने रात में ना चिकन वगैरह भी बना के रख ली थी, सैलड भी धो के रख लिया कि बस सुबह उठूँ, क्योंकि अर्ली बना के सुबह में देने थे, तकरीबन मैं 9 बजे तक के उठूँ शवारमे वगैरह बना के रेडी करके दे दूँ, कि खाला ने ना 10 बजे घर से चले जाना था। खैर मैंने यहाँ हर चीज़ रेडी करके रख ली थी, चिकन भी ऑलमोस्ट मेरी गलने वाली थी, तो बस जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा तो फिर इसको मैं रेशे रेशे थोड़ा छोटा छोटा कर लूँगी, तो पानी अभी था। तो बस फिर मैं रूम में आ गई, उमलवरा जो है यहाँ खेल रही थी, इसकी बातें सुने बड़े मज़े की हैं। ये क्या कर रही है उमलवरा? ये रात में कौन कंगा करता है? सो क्या हो रहे हैं?
आंखों इतने बड़े बाल हैं आपके? नहीं। फिर चलो बस भी कर दो भाई। क्या कर रही हो? मेरे बालों में तेल कौन लगाएगा? आप ही लगाओगे। इधर मोड़ो, इधर तो मोड़ो ना, इधर तो मोड़ो। ये क्या कर रही है? एक्शन एक्शन। ये क्या हो रहा है? चलो चलो बस बहुत हो गया, इधर मोड़ो। ये जी अगले दिन सुबह, सैटरडे की सुबह है, तो बस यहाँ पे ये देखें, पता ही नहीं चला रात को बातें करते करते उमलवरा से खेलते कब नींद आ गई। तो ये अगले दिन सुबह सैटरडे की टाइमिंग है तकरीबन 9 बजे की। ये देखें चिकन मैंने यहाँ तैयार कर लिया था, रात को मैंने आपको बता दिया था कि हर चीज़ मैंने रेडी कर ली थी। बस अब यहाँ पे शॉर्मे की पैकिंग थी, सॉसेस लगानी थी, चिकन डालना था, साथ सैलेड और चैलेंज शॉर्मे तैयार। तो खाला तो जा चुकी थी, तो मैंने उनके पीछे से तकरीबन 10 बजे तक भेजने थे बना के, तो 9 बजे तक मैं उठ गई थी। अच्छा मुझे अपना टाइम मैनेज करना होता है कि मैंने इतने इतने बजे ये करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से टाइम मैनेज कर लेती हूँ और मेरी हर चीज़ ज़बरदस्त टाइम पे ओके रेडी हो जाती है। ये देखें यहाँ पर बस मैंने इकट्ठे ही मतलब 3 शवारमे एक साथ साथ कर रही थी कि जल्दी से पैकिंग हो जाए। तो बस ये देखें, अगर आप भी मेरी शवारमे की रेसिपी या सॉसेस की कम्प्लीट रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे आपको तमाम सॉसेस और चिकन की मेकिंग हर पूरे शवारमे की कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी। ये देखें यहाँ पर मेरी शवारमे बनके तैयार हो चुके हैं, और आप मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपको बल्कि बाहर से भी अच्छा शवारमा घर पे खाने को और बनाने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ शवारमे मैंने 4 से 5 घर पे रख लिए थे। नाश्ता तकरीबन 12 बजे खाला आ चुकी थी, नाश्ता हमने किया सब ने मिलकर, तो कह रही थी सबको बहुत पसंद आया शवारमे, सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे तुम्हारी। और फिर मैं खाला चली गई आमना और उमलवरा को छोड़ने, मैं आ गई अपने जूते लेने के लिए, मेरे जूते और आमना के रह गए थे। तो फिर मैं सिग्निया की शॉप पे आई, यहाँ पर मैंने जूते ऑनलाइन पसंद किए हुए थे, बस मैंने यहाँ से लेने थे। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी शॉप पर भी आई हुई थी, काफ़ी अच्छे अच्छे थे, ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं इनके जूते, प्राइस ज़्यादा होती है, लेकिन ये कि बड़े ही ज़बरदस्त लगे मुझे। इनकी हील मुझे बहुत पसंद आई, मतलब मैं हील नहीं पहनती, मैंने काफ़ी अरसा हो गया मैंने हील पहनना छोड़ी हुई थी, लेकिन इनकी हील मैंने देखी मुझे ठीक लगी। मुझे लग रहा था कि अगर चलने फिरने में इजी है, मैं थकूंगी नहीं, और सबसे पहले मैं गिरूंगी भी नहीं, क्योंकि हील जो है संभालना चलना बड़ा मुश्किल लगता है। ये जूता मुझे गोल्डन में चाहिए था, तो मुझे बड़ा पसंद आया, इसमें पाँव डाल के मुझे देखा ना, मुझे चुभ रहा था कहीं से और ना मैं थक रही थी। चल के मैंने तकरीबन चल के पूरा ही मैंने एक चक्कर लगा के इनकी शॉप में देखा कि मैं अच्छी तरह से अपना तसल्ली कर लूँ कि मुझ पर ठीक आएगा कि नहीं। बस यहाँ पर फिर मैंने दोनों जूतों की साथ पेमेंट कर दी थी, लेकिन मिला मेरे साइज़ का था, आमना का तकरीबन 3 दिन बाद फिर शॉप से लेना था। फिर मैं आ गई यहाँ पर डॉलमेन मॉल में बनंजा की शॉप पर, कुछ कपड़े चाहिए थे देखने के लिए, गिफ्टिंग वगैरह के लिए, तो बस वो देखने के लिए आई कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक दो आपको पता शादी की जितनी भी शॉपिंग की जाए कुछ ना कुछ लास्ट टाइम तक रह ही जाता है। मेरे अपने जूते वगैरह रह गए थे, तो इसलिए फिर मैंने आज चक्कर लगाया। हालांकि मेरी हिम्मत नहीं थी कि आप यकीन जानो मेरा पाँव इस कदर, 2 माह होने के करीब है मेरा पाँव नहीं ठीक हो रहा था। खैर यहाँ बुनंजा की शॉप के बाद फ़ौरन बस पर नानों के घर पे आई, क्योंकि आपको बताया था खाला उमलवरा को और आमना को छोड़ने उन्होंने आना था नानों के घर, तो इसलिए मैं फिर बाज़ार से सीधा भाई के साथ गई हुई, तो सीधा घर आ गई नानों के। तो यहाँ उमलवरा के लिए फिर मैं गिफ्ट लेके आई ये लिखने के लिए, तो वो मेरे सामने ही फिर लिखना शुरू हो गई। तो साथ ही ना मोहम्मद आईएस को तंग कर रहा था कि ये बोर्ड लिखने का मैं किसी तरह ले लूँ, मैं गन डाल दूँ ना, तो बस आपस में इनकी नोक झोंक बच्चों की, ज़ाहिर बहन भाई की लगी रहती है। अच्छा ये छोटा ना अब इसको तंग बहुत करता है। तो पाँव की हालत देखे मेरी, मैं घर आ चुकी थी क्योंकि पाँव में शदीद तकलीफ थी। अब मैंने यहाँ जाना था डॉक्टर पे, इसने मुझे कहा आप रेडी हो जाओ मैं लेके जाता हूँ दलवाई ने। अच्छा इसके काम है ये फ़ौरन फिर निकलता नहीं है बोल के। खैर यहाँ मैं उतरा ही नहीं जा रहा था सीढ़ियाँ, क्योंकि मेरी पूरी रात बहुत अजाब में गुजरी थी। मैंने आज से पहले इतना दर्द, मैं कहती हूँ ऑपरेट भी अगर मेरा कभी अपेंडिक्स का हुआ है ना, तो मुझे उसकी भी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी मुझे इसकी दर्द हो रही थी। और पैदल तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं चल के जाऊँ, लगे पास ही डॉक्टर था। फिर बाइक पे मैं गई इसके साथ डॉक्टर पे, डॉक्टर को चेक करवाया मेडिकल स्टोर की, उसने मुझे मेडिसिन दी, उसने कहा कट लगा के इसको साफ़ करना पड़ेगा लेकिन आप अगले दिन आएँ। तो बस यहाँ पर पहले उसने पट्टी वगैरह ये देखें कर ली,
तो बस दुआ करें अल्लाह मियाँ मेरा जल्दी से पाँव ठीक कर दे। पता नहीं क्या मेरे ऊपर मुसीबत आई है कि 2 माह से इस पाँव का मसला हल ही नहीं हो रहा। अब मैंने फिर डॉक्टर पे अगले दिन जाना है, उसका कट लगाएंगे और उसकी सफाई करेंगे, क्योंकि अच्छे खासे जो हैं ये दाने अब बनते जा रहे हैं। अल्लाह जाने ये क्या हुआ, बस हल्का सा कुछ नहीं, कुछ जैसे लगा किसी चीज़ काटा है और उस पर मैंने खुजाया तो फिर एकदम से ज़ख्म बन गया। और फिर ये देखिए हाल, अब 2 माह से ठीक ही नहीं हो रहा। खैर फिर इसके बाद मैंने मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ली और फिर घर के लिए चले गए। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।